हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल स्वाद प्लस में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, वो भी गेहूं के आटे से, जो रोटी नहीं बनाते हैं उसी से। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा गुलाब जामुन। जितना ही परफेक्ट है उतना ही सॉफ्ट भी है। तो आइए शुरू करते हैं हम बनाना। तो मैंने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। मैंने डाल दिया इसमें पहले 2 चम्मच सूजी। तो सूजी मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारा गुलाब जामुन दानेदार बने। ये देखिए मैंने लिया है 1 कप। तो मैंने इसी कप से सारा मेजरमेंट लिया है। तो मैंने डाल दिया 1 कप गेहूँ का आटा। अब आटे को डालकर सूजी के दोनों धीमी आंच पे हल्का सा भूनेंगे। इसको हमें धीमी आंच पे ही भूनना है, तेज आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल भी सकता है। बस जब हल्की सी खुशबू आने लगे तभी हमको गैस से उतार लेना है। तो ये देखिए हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसको ठंडे होने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपनी चाशनी। तो गाइस मैं दिखाना भूल गई, बीच में वीडियो कट हो गया था। तो मैंने लिया है उसी कप से 1.5 कप चीनी, 1.5 कप पानी। इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से घुलने देंगे, जब तक कि हमारी चाशनी चिपचिपी सी ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए चाशनी में बढ़िया सा उबाल भी आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी इलायची कूटकर, ताकि हमारे गुलाब जामुन में एक अच्छी सी खुशबू आ सके, जिससे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो लगभग हमारा चाशनी तैयार हो चुका है, ये चिपचिपा भी हो गया है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसमें नींबू का रस, ताकि चाशनी हमारी जमे ना। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए इधर आटा भी मेरा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको गुलाब जामुन के लिए तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर। ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने से ये खोए का काम करता है। ये मैंने लिया है फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर की मलाई नहीं होती। तो मेरे घर में जो आज का मलाई था मैंने पूरा निकाल के ले लिया है। अब इसी के साथ मैं आटे को गूंदूंगी, बाकी और जो ज़रूरत लगेगा मैं उसकी जगह पे दूध डाल दूंगी। तो इस तरीके से मिला मिला के इसको एक सॉफ्ट आटा लगाना है हमें। तो ये देखिए अभी हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइट है, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, जैसे हम रोटी नहीं बनाते उससे हल्का सा नरम चाहिए। तो ये देखिए जब इस तरह आटा हो जाए, मैंने लिया है 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है बेकिंग पाउडर। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा दूध, इसको आटे में अच्छे तरह से मिक्स करके गूंथेंगे। बेकिंग पाउडर को हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि आटा गूंथते गूंथते फिर उसके जो फूलने का प्रोसेस होता वो थोड़ा कम हो जाता। ये देखिए अब आटा कितने अच्छे से फूल रहा है। ये लीजिए आटा हमारा गूंद के
तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे इससे गुलाब जामुन की गोलियाँ। तो इस तरीके से हम छोटी बड़ी लोई अपने मुताबिक ले लेंगे, ऐसे चिकना कर कर के गोलियाँ बना लेंगे। जब सारी गोलियाँ एक साथ बन जाएंगी फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल बहुत कम मत रखिए। तो मैंने एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। गुलाब जामुन को हम बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा, नीचे से कच्चा ही रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया है हमारा गुलाब जामुन। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है, मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा है। तो चाशनी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं डालूंगी इसमें अपने गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में उबाल आने लगा है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुलाब जामुन। तो सारे गुलाब जामुन को डाल के इसको 2 मिनट तक उबाल आने देंगे, क्योंकि ये आटे और सूजी से बना है तो इसको सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। जो दूसरे रेडीमेड गुलाब जामुन आते हैं वो तो आधा घंटे अंदर ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे बढ़िया से उबाल आने दीजिए 2 मिनट तक। तो 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और बच्चों ने मेरे आधे से ज़्यादा गुलाब जामुन खा भी लिए। स्कूल से आए तो देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन फूल फूल के बड़ा भी हो गया है और काफ़ी रसीला और सॉफ्ट भी बना है। यकीन ही नहीं होता कि गेहूं के आटे से इतना बढ़िया गुलाब जामुन, आप भी देख के हैरान है ना। तो एक बार ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली को भी खिलाइए। ये देखिए मैं एक पीस काट के भी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, सीढ़ा इसके अंदर तक गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।